Hello students, welcome all of you in our channel. हम लोग जहाँ पर रोका था रैपिड एक्स कोर्स को, उसके आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं एक नई कड़ी और फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे। अभी हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को देखा, अभी हम आगे देखेंगे उसका निगेटिव जो है पार्ट 7। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। रूल वाई फैमिली प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य क्या राम घूमने नहीं गया होगा। इंग्लिश सेंटेंस विल राम नॉट Have gone for a walk? क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा होगा। Will he not have seen you yesterday? लोग कल्पना से क्यों नहीं मिले होंगे। Why will people not have met कल्पना? क्या वह प्रतियोगिता में नहीं नाची होगी। Will she not have danced in the competition? यह जो फ्यूचर का वाक्य है इंट्रोगेटिव, इसको हम लोगों ने देखा था। आप उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इसे देख सकते हैं पिछले वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है। जैसे राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, सीता 4 दिन से नाच रही होगी, लोग 10 बजे से घूम रहे होंगे, मैं सुबह से रो रहा होगा आदि। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस और फार का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, अर्थात अवधि ड्यूरेशन के लिए। कहाँ पर सिंस और कहाँ पर फार का प्रयोग होगा, यह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते वक्त बताया गया था। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल, विल हैव बीन का प्रयोग होता है। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, he will have been studying since 4 o'clock। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। वाई फैमिली WH फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फार प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब विल सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु व्हाई व्हेन व्हाट व्हिच अंटिल व्हेन सिंस व्हेन हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो वो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है, जैसा कि बार बार आपको बताया गया। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा होगा, विल हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। WH फैमिली विल सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। क्या राम 2 घंटे से खेल नहीं रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock।
टेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आइए अभ्यास करें निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। लेट्स प्रैक्टिस ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मैं नहीं गया, तुम कहाँ जाते हो, हम किस तरह आएंगे, मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, रोहित की बहन कहाँ जा रही है, वो किस शहर से आया था, राम खेलता है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, लड़कियाँ कल से डांस का अभ्यास कर रही हैं, राकेश नहीं समझता, घाव से खून निकल रहा है, मैं पढ़ूंगा, वो सभी किसके भाई हैं, वो खिड़की से झांक रहा था, बच्चे आ रहे होंगे, मैं शिमला अक्सर जाता हूँ, वो खूब पढ़ता है, वो कभी कभी मेरे घर आता है, बस चली गई होगी, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, हम बहुत देर तक सोते हैं, वो घर से नहीं आया है, वो अपने सपनों को साकार करेगा, मैं किसके बारे में सोचता हूँ, मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे, हम वहाँ गए थे, मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है, उसने उस आदमी को जान से मार दिया, राम ने लड़की का बलात्कार नहीं किया है, लड़के के परिवार वालों ने उस पर आरोप लगाया है, उस दिन मेरे साथ कई लोग फिल्म देख रहे थे, हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी, हम राम को बिल्कुल नहीं जानते, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, क्या वो स्कूल में आ गया होगा, तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, कौन जाएगा, किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जाप करता है, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं, उसे किस पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, लाइक दैट, मैं किस लड़की का भाई हूँ, उसके पापा ने मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं किया, राम मुश्किल से ही कभी मेरे घर आता है, क्या ये बातें याद आएंगी तुम्हें, हम सभी लोग उस नेता को पसंद नहीं करते, मेरे भाई ने किसी लड़की को परेशान नहीं किया, उसने देखा कि कोशिश नहीं की, वो अधिकतर सीता के साथ खेलता है, उसने मेरे लिए कभी कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, राम उसे बहुत प्यार करता है, तुमने मेरा दिल दुखाया है, आंखें धोखा देती हैं, क्या तुमने सभी को खाना परोस दिया, किसने तुम्हें देखा था, ये दिल कभी कभी प्यार के लिए तड़पता है, मैंने भगवान से कुछ मांगा है, उसने गलती की है, हमारी आंखें उसे देख रही थी, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, राम ने मुझे मेरी जीत पर बधाई दी है, दुकानदार ने मुझे लूट लिया, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, बुरे दौर में तुम्हारा साथ किसने दिया, माँ बच्चों को जन्म देती है वो बदले में कुछ नहीं मांगती, हम 2 बजे पार्क में घूम रहे थे, वो किसके लिए इतनी दूर गया, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी तरह किसी की याद दिलाता है, ये कौन करता है, ये सांप सदियों से अपनी साथी की तलाश कर रहा है, उसने किताबें ले ली थी, मैं पेन से लिखूंगा, क्या तुम रोज हनुमान जी की पूजा नहीं करती, वो घूमने गया था, ये काम किसने किया, ये कहानियां मुझे पसंद नहीं, हमने गलती नहीं की, राम मेरे बारे में कुछ न कुछ बताएगा, वो दोनों हमें क्या सिखाएंगे, तुम सभ्य लगते हो, वो तुम्हारे घर पहले ही आ चुका है, मैं तुम्हें रोज देखने आया, तुम अपनी गलती स्वीकार कर चुके हो, मैं तुमसे कभी नहीं मिला, मैं किसी तरह ऑफिस पहुंचा, क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं, वो तुम्हारे घर की तरफ क्यों आता है, मैं दीवार के पीछे छुप गया, मैं तुमसे मिलने को पागल हो रहा था, मैं जल्द ही ऑफिस पहुंच रहा हूँ, सीता ने कंपनी छोड़ी और चली गई, तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने ऐसा क्यों सोचा, उसने गाना कहाँ गाया, प्रिया मेरे दिल को समझ रही थी, मैंने सब कुछ समझ लिया था, लोग मिठाइयाँ खा चुके थे, मुझे उसकी याद आ रही थी, वह 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है, मैं ऑफिस के बाहर पहले ही अच्छी तरह देख चुका हूँ, क्या आप हमसे सहमत हैं, राम धोखा दे रहा था, वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है, तोता छत पर रो रहा था, वो तुम्हारा इंतजार 2 बजे से कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ,
मैं तुमसे बात करूंगा। लोग मुझसे मिलने नहीं आएंगे। राम कंप्यूटर सीखता है। तुम्हारे बाल झड़ चुके थे। मैं अपने माता पिता को विदा कर चुका हूँ। 2 घंटे हो गए, घाव से खून निकल रहा है। मैं अपने माता पिता को भेज चुका हूँ। क्या आप 3 साल से काम कर रहे हैं? क्या आप सुबह से घूम रहे हैं? नल दिखने में अच्छा लग रहा था। उसने तुम्हें धमकी क्यों दी थी? तुम मुझे सुबह से क्यों ढूंढ रहे हो? राम वापिस कब जाता है? उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं आपके पास कब आया? मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। क्या आपने खाना खाया? सीता भगवान की पूजा कब से कर रही है? तुमने हाल ही में कौन सी फिल्म देखी है? मैं घूमने गया। मैं 2 घंटे से ठंड से कांप रहा हूँ। वह 2 साल पहले कंपनी छोड़ चुका है। तुमने मेरा मूड खराब किया। मैं 2008 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। लाइक दैट मैनी मोर सेंटेंस। क्या सीता वहाँ बैठी वो गाना कहाँ गाता है? वो तुम्हारे घर में खाना खा चुका है। जब मैं आऊँगा तुम जा रहे होगे। उसने मुझे माफ किया। मैं ऑफिस परिसर में सिगरेट नहीं पीता। मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ। मैंने ये पहले पहली सुलझा दी। मैं कभी गाना नहीं गाता। मैं आपके पास कब आऊँगा? दूल्हा अच्छा लगता है या सुनने में अच्छा लगता है? क्या सीता वहाँ बैठेगी? सचिन ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़े। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। राम अगले महीने कंप्यूटर सीखेगा। क्या सीता वहाँ बैठती है? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम अच्छे लगते हो। बच्चा छत पर रो रहा होगा। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? राम और आदित्य किस ऑफिस से आ रहे हैं? क्या आप उनसे मिले हो? मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। राम अच्छी तरह से तैयारी कर चुका है। ये किसने किया? उसने अनजाने में मुझे दुख पहुँचाया। मैंने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। तुम्हारी किताब किसने ली? क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग को किसने परेशान किया? हम बेवजह एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तुम क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूरे कमरे की सजावट बदल दी। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। उसने मुझे पूरी तरह से सहयोग का आश्वासन दिया। उसने बर्तन धो लिए हैं। उसने इतने सारे लोगों को कैसे संभाला? जो कोई मेरे पास आया मैंने मदद की। खेल के दौरान वो खोया खोया सा लगा। तुम कहीं खोए से लगते हो। मैंने उसे उतना पैसा नहीं दिया। हजारों लोग सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं। हंसरेखा विज्ञान ने उसे पागल कर दिया है। मेरा भाई किसी तरह घर पहुंचा। मैं अपनी सफलता का श्रेय तुम्हें देता हूं। क्या तुम में से कोई पूजा करता है? तुम इतनी सारी किताबें कैसे लाओगे? तुम में से कितने ताजमहल गए हो? उसने षड्यंत्र का भांडा फोड़ दिया। आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आई डिडंट गो। वेयर डू यू गो? हाउ विल वी कम? अंटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू? अंटिल व्हेन विल आई स्टैंड बाय यू? वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग? फ्रॉम व्हिच सिटी हैड ही कम? राम प्लेज व्हाई डज दैट बॉय थिंक सो? वेयर डू दी चिल्ड्रन लिव? गर्ल्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे? राकेश डजंट अंडरस्टैंड? ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वुंड? आई विल स्टडी। हूज ब्रदर्स आर दे? दोज आल ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो? चिल्ड्रन किड्स विल बी कमिंग? आई ऑफ्टन गो टू शिमला? ही स्टडी अ लॉट सो मच? ही समटाइम्स कम माई हाउस? बस विल हैव लेफ्ट? अंटिल वेन विल यू स्टे हियर? मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड? बी स्लीप टिल लेट? ही हैज नॉट कम फ्रॉम होम? ही विल फुलफिल हिज ड्रीम्स? ही विल मेटलाइज हिज ड्रीम? अबाउट होम आई डू आई थिंक? विथ होम वेयर आई एंड यू प्लेइंग? वी हैड गॉन देयर? हिज कार इज माई फ्रेंड्स ड्राइविंग? ही किल्ड दैट मैन? राम हैज नॉट रैप्ड द गर्ल? बॉयज फैमिली हैज ब्लेम्ड हिम हर? मैनी पीपल वेयर वॉचिंग द मूवी विथ मी दैट डे? हुज फाइट डिड वी वॉच ऑन टीवी? वी डोंट नो राम एट ऑल? वी हैव नो आइडिया हु इज राम? दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग? विल ही हैव कम फ्रॉम स्कूल? यू वी आर रनिंग वेरी फास्ट?
who will go, which actor's friends work with your dad. I often go his home. Seema often call you to write homework. Kids have been watching TV since morning. Which party's supporter is he not getting? Which party is not supporting him? What is he writing in mobile? Which girl's brother I am? Am I? Why did his father not like to talk to me? Ram seldom comes my home. Will you remember these moments? BL people don't like that leader. My brother didn't brother any brother girl. He didn't try to see. He mostly plays with Sita. Did he ever do something for me? He did nothing. We will go for a walk with you. Ram loves him. Hare Lord, you have hurt me. I cheat. I deceive. Eyes are deceptive. Have you served the food to all who had seen you? This hurt sometimes craves for love. I have begged something from God. He has committed mad a mistake. Our eyes were searching him. Who hurt you? I never thought so. Ram has congratulated me on my win victory. Shopkeepers ripped me off. Will you remind me who supported you in bad time? Who stood by you in bad face? Mother bears children and demand nothing in return. We are walking in the park at 2 o'clock. For whom did I go this far? Your face reminds me of someone. Who does it? This next has been searching his partner for centuries. He had taken the book. I will ride with pen. Do you not worship Lord Hanuman daily? He had gone for a walk. Who did this work? I don't like this story. When didn't make a mistake. We didn't make a mistake. Ram will tell at least something about me. What will they both teach us? You loxulized. He has already come your home. I come to see you daily. You have accepted your fault. I never meet you. I have reached office somehow. Are you saying something to us? Why does he come toward your home? I hide behind the wall. I was craving to meet you. I am reaching office soon. Sita left the company and went. You are looking good. Why did you think so? Where did he sing the song? Priya was understanding my feeling. I had understood everything. People had eaten the sweets. I was missing him, her. He had left the company 2 years ago. Why does he threaten you? I have already seen properly outside the office. Do you agree with us? Ram was cheating. That man does not meet me. Parrot was crying on the roof. He had been waiting for you since 2 o'clock. I am not thinking anything about you. I am thinking nothing about you. I will talk to you. People will not come to meet me. Ram learns computer. Your hairs were fallen. I have seen of my parents. Blood has been oozing from the wounds for 2 hours. I had sent my parent. Have you been working for 3 years? Have you been walking since morning? Type was looking good. Why had he threatened you? Why have you been searching me since morning? When does Ram go to office? He has left me alone. Why do you think so? When did I come to you? I will never meet you. Did you eat the food? Since when has Sita been worshipping God? Which movie have you recently seen? I went for a walk. I have been shivering with cold for 2 hours. He has left the company 2 years ago. You spoiled my mood. I have been working with this company since 2008. Did Sita sit there? Where does he sing the song? He has eaten, taken, had the food at your home. When I come, you will be going. He forgive me. I don't smoke in the office premises.
I have realized my mistake. I unraveled this enigma. I solved this puzzle. I never sing a song. When will I come to you? Groom looks good. It sounds good. Will Sita sit there? Sachin broke all the previous record. I accept you proposal. Ram will learn computer next month. Does Sita sit there? Why are you thinking so? You look good. Child will be weeping on the roof. What do I think about you? From which office are Ram and Aditya coming? Have you met them? I had prayed for you. Ram has prepared will. Who did it? He unknowingly hurt me. I have collected the money from people. I swear that I will never go there again. Who took your book? What happened? What disturbed your mind? We were unnecessarily fighting with each other. What are you looking for? They changed the entire room decorations. I recognized his voice. He assured me of full cooperation. He has washed the utensils. How did he handle these many people? Whoever come to me, I help doing the game. He seemed to be best. You seem to be lost somewhere. I didn't give him that much money. Thousands of people are protesting on roads. Palmistry has made him crazy. My brother somehow reached home. I ascribe my success to you. Does any of you worship? How will you bring these many books? How many of you have visited the Taj? He unearthed the conspiracy. महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें quotations. Every time you lose, you gain experience. Unless you try, you can't say whether you will succeed or not. So go ahead and try your best. 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the one you did so. So throw off the bullions, sails away from safe harbor, catch the trade winds in your sail, explore, dream, discover. Test, 10th test paper, test 1. Translate the following sentence into Hindi. Do you really feel the pain of those who are poor and hungry? Will he ever realize that he was in the wrong? Which one are you looking for at the moment? How many times have I told you not to disturb me? Why did you back out of your promise? Sometimes he takes things pretty lightly. I will seldom go to the US because I feel myself an alien there. Have you ever been in Agra? I don't know what to do. He has not been working for money since beginning. For how long have you been waiting for me in the airport? It sounds dead good, but I know it's not worthwhile. I will sue you in court. See you in court. Prime Minister addressed the gathering. Shyam unnecessarily elongates the matter. Most of the people are traveling by metro these days. He feeds his animal 3 a day. Are you feeling like going there? Though these two are not looking to be twins, as their faces are different altogether. He is fighting for his self, respect and dignity. Choose the correct alternative in the following sentence. He has been in Delhi since far along. I never tell a lie. He didn't go somewhere, anywhere. Do you love to watching TV? I like to playing cricket. He found peace now here. I was where watching you. Shalini, does do not
गो टू पार्टीज राहुल लक्स लग टायर्ड दैट डे डू डज यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू इंग्लिश तुम वहाँ किस रास्ते से होते हुए जाते हो इतने सारे गिले शिकवे लेकर कहाँ जाओगे तुम रहते कहाँ हो दोस्त अक्सर दिखते नहीं दवाई खाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है मुझे मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहा था सरकार गरीबों के लिए सही मायने में क्या कर रही है सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ क्या वो मुझे जानता था मैंने उसे इतना प्यार किया जितना कोई उसे कभी नहीं करेगा बातों से पेट नहीं भरता आंसर डू यू रियली फील द पेन ऑफ दोज हु आर पुअर एंड हंग्री क्या तुम वाकई उन लोगों का दर्द महसूस करते हो जो गरीब और भूखे हैं विल यू रियलाइज दैट ही वॉज इन द रॉन्ग क्या वो कभी महसूस करेगा कि वो गलत था विच वन आर यू लुकिंग फॉर एट द मोमेंट इस समय तुम कौन सा वाला ढूंढ रहे हो हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे परेशान मत किया करो वाई डिड यू बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस तुमने अपने वादे से क्यों मुकरे समटाइम्स ही टेक्स थिंग्स प्रेटी लाइटली कभी कभी वो चीज़ों को बहुत हल्के में लेता है आई विल सेल्डम गो टू द USA बिकॉज आई फील माई सेल्फ एन एलियन दियर मैं शायद ही कभी अमेरिका जाऊंगा क्योंकि मैं वहां अपने आप को अजनबी महसूस करता हूं। Have you ever been in Agra? क्या तुम कभी आगरा में रहे हो I don't know what to do. मैं नहीं जानता कि क्या करूं। He has not been working for money since beginning. वो शुरू से ही पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है For how long have you been waiting for me in the airport? तुम एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कब से कर रहे हो इट साउंडेड गुड बट आई नो इट्स नॉट वर्थ वाइल सुनने में अच्छा लगा लेकिन मैं जानता हूँ कि ये फायदे का सौदा नहीं आई विल सेव इन द कोर्ट मैं तुम्हें कोर्ट से घसीटूंगा मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द गैदरिंग प्रधानमंत्री ने भीड़ को संबोधित किया भाषण दिया श्याम अननेसेसरली एलोनेट गेट्स द मैटर श्याम फालतू में मामले को लंबा कर देता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग बाय मेट्रो दिस डे इन दिनों अधिकतर लोग मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं ही फीड्स हिज एनिमल ट्रीज अ डे वे अपने जानवरों को दिन में 3 बार खिलाता है आर यू फीलिंग लाइक गोइंग देयर क्या तुम्हारा वहाँ जाने का मन कर रहा है दीज टू आर नॉट लुकिंग ट्विंस एज देयर फेस आर डिफरेंट ऑल टूगेदर ये दोनों जुड़वा नहीं लग रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे बिल्कुल अलग हैं ही इज फाइटिंग फॉर हिज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी वो अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं क्वेश्चन करेक्ट अल्टरनेटिव इज रिटन बोल्ड एंड अंडरलाइंड ही हैज बीन इन दिल्ली फॉर ए लॉन्ग आई नेवर टेल अ लाई He didn't go to anywhere. Do you love to watch TV? Watching TV. I like to playing cricket. He found peace now here. I was watching you. Shalini does not go to parties. Rahul looked tired that day. Do you know how to speak in English? Question number 3. तुम वहाँ किस रास्ते से होते हुए जाते हो फ्रॉम विच वे डू यू गो दियर इतने सारे गिले शिकवे लेकर कहाँ जाओगे तुम वेयर विल यू गो विद दिस मैनी डिफरेंस रहते कहाँ हो दोस्त अक्सर दिखते नहीं वेयर आर यू मैट नाउ सीन वेरी ऑफ्टन दवाई खाने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है मुझे आई एम फीलिंग गुड आफ्टर हैविंग ईटिंग मेडिसिन मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रहा हूँ था आई हैड बीन सर्चिंग
हिमफारे लॉन्ग, सरकार गरीबों के लिए सही मायने में क्या कर रही है, व्हाट इज गवर्नमेंट आइडियली डूइंग फॉर द पुअर। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। टू बी हॉनेस्ट आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू फर्दर। क्या वो मुझे जानता था, डिड ही नो मी। मैंने उसे इतना प्यार किया जितना कोई उसे कभी नहीं करेगा। आई लव्ड हर सो मच दैट नोबडी विल एवर डू। बातों से पेट नहीं भरता, वर्ड्स कांट फीड, एक्शन इज बेटर देन द वर्ड। टेस्ट सेकेंड टू, ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तुमने मुझे कितना प्यार किया, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे लिए मैं कौन था। जब मैं तुमसे मिलने आऊँगा मुझे लगता है कि तुम सो रहे होगे। तुम कल 6 बजे आना, तब तक तो मैं तुम्हारा काम कर चुका हूँगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, आज हमारे पास कुछ नहीं है। तुम कब तक वहाँ रहोगे। हम कहीं नहीं जा रहे थे। वो आदमी एक बच्चे को काफ़ी देर से मार रहा है। राम कई दिनों से तुम्हारे यहाँ जा रहा था। मैं क्रिकेट खेलना कैसे सीखूंगा। वो बच्चे तुम्हारे घर कैसे आए। मैं सभी लोगों से मिल चुका हूँ, तुम्हारे सभी दोस्त मुझसे मिल चुके हैं। तुम कब तक मेरे घर रुकोगे। राम कब से कंप्यूटर पर बैठा हुआ है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा। मुझे एक प्यारी सी घड़ी मिली है। तुम्हारे कितने भाई हैं। मेरे चारों भाई खाना खा चुके हैं। मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई, तुमने मुझे हर जगह ढूंढा। तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो। वो तुम्हारा क्या है। मैं मम्मी को कई दिनों से याद कर रहा था। तुम्हारा नाम मेरे दिल की धड़कनों पर लिखा है। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम हो। क्या तुमने कभी किताबें खरीदी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। राम ने सभी किताबें टेबल पर रखी। तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँगा। तुम जब से आए हो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो। आंसर, तुमने मुझे कितना प्यार किया। हाउ मच डिड यू लव मी। मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे लिए मैं कौन था। हाउ डू आई नो हु आई वाज फॉर यू। जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा मुझे लगता है कि तुम सो रहे होगे। व्हेन आई कम टू मीट यू आई थिंक यू विल बी स्लीपिंग। तुम 6 बजे आना, मैं तुम्हारा काम कर चुका हूँगा। यू कम एट 6 o'clock, आई विल हैव फिनिश्ड योर वर्क। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। वाई डू यू थिंक दैट आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लाइफ टीच अस अ लॉट। आज हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टूडे, वी डोंट हैव एनीथिंग टूडे। तुम कब तक वहाँ रहोगे। अनटिल व्हेन विल यू बी स्टे लाइव दियर। हम कहीं नहीं जा रहे थे। वी वेयर नॉट गोइंग एनी वेयर, वी वेयर गोइंग नाउ वेयर। वो आदमी एक बच्चे को काफ़ी देर से मार रहा है। दैट मैन हैज बीन बीटिंग अ किड फॉर ए लॉन्ग। राम कई दिनों से तुम्हारे यहाँ जा रहा था। राम हैड बीन गोइंग टू योर प्लेस फॉर मैनी डेज। मैं क्रिकेट खेलना कैसे सीखूंगा। हाउ विल आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। वो बच्चे तुम्हारे घर कैसे आए। हाउ डिड दो चिल्ड्रेन कम टू योर हाउस। मैं सभी लोगों से मिल चुका हूँ। आई हैव मेट ऑल द पीपल। तुम्हारे सभी दोस्त मुझसे मिल चुके हैं। ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हैड मीट मी। तुम कब तक मेरे घर रुकोगे। अनटिल व्हेन विल यू स्टे एट माई होम। राम कब से कंप्यूटर पर बैठा हुआ। सिंस व्हेन हैज राम बीन सीटिंग ऑन द कंप्यूटर। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा। आई थॉट ए लॉट अबाउट यू। मुझे एक प्यारी सी घड़ी मिली है। आई हैव फाउंड अ नाइस वॉच। तुम्हारे कितने भाई हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। मेरे चारों भाई खाना खा चुके हैं। ऑल ऑफ माई फोर ब्रदर्स हैव टेकन ईटन हैड द फूड। मैंने सारे दिन गाड़ी चलाई। आई ड्रो द कार थ्रू हार्ट द डे। तुमने मुझे हर जगह ढूंढा। यू सार्ट सर्च्ड मी एवरीवेयर। तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो। वाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड मी। ओ तुम्हारा क्या है। व्हाट हु इज ही टू यू। मैं मम्मी को कई दिनों से याद कर रहा था। आई हैड बीन मिसिंग मॉम फॉर मैनी डेज। तुम्हारा नाम मेरे दिल को
दिल की धड़कनों पर लिखा है, योर नेम इज रिटेन ऑन माई हार्ट बीट। तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, यू ऑलवेज टॉक मी रॉन्ग। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम कौन हो, आई रियली डोंट नो हु आर यू। क्या तुमने कभी किताबें खरीदी, डिड यू ईवर बाई बुक्स। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। राम ने सभी किताबें टेबल पर रखी, राम पुट किप्ट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं आऊँगा, वाई आर यू थिंकिंग दैट आई विल नॉट कम। तुम जब से आए हो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हो, ईवर सिंस यू हैव कम यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट हिम हर। टेस्ट थर्ड, ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तुमने मुझे कभी कुछ क्या कहा क्या, मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। जब कभी मैं तुमसे मिलने आऊँगा, क्या तुम मुझे वो सारी किताबें दोगी। कई दिनों से मुझे तुम कुछ याद दिला रही हो, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास इतना पैसा है। जिंदगी के हसीन पल हम सब के लिए एक जैसे ही हैं, आज हमारे पास कुछ नहीं है, तुम सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही बने हो। हम लोग उन आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग उस बच्चे की बातों को मजाक में ले रहे थे। राम कई दिनों और कई रात से बिना रुके पढ़ रहा था, मैंने तुम्हें डांटा और तुमने रोना शुरू कर दिया। वो बच्चे तुम्हारे घर की दीवार के पीछे छिप गए थे, मैं सभी को उस भूतिया घर के बारे में बता चुका था। तुम मेरे साथ कभी भी नहीं थे, तुम कब से मेरे घर में रह रहे हो। राम हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। मैं भीगा हुआ था इसलिए ठंड लग गई, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज वॉकिंग इन द पार्क फॉर ए लॉन्ग। My friend did not found peace anywhere. I didn't went there. Ram worked with me never. Life teaches thousand things. I looked at the calendar for the dates. He is not walking because he is so weak. Have you seen my three-story building? He was sweating when he come to me. There were five students. Their parents had also come. Answers. तुमने मुझे कभी कुछ कहा था, कहा क्या। Did you ever say something to me? मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरे क्या हो। How do I tell what you are to me? जब कभी मैं आऊंगा, क्या तुम मुझे वो सारी किताबें दोगी। Whenever I come, will you give me all those books? कई दिनों से मुझे तुम कुछ याद दिला रही हो। यू हैव बीन रिमाइंडिंग मी ऑफ समथिंग फॉर मैनी डेज। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास इतना पैसा है। हाउ डू यू नो दैट आई हैव दिस मच मनी। जिंदगी के हसीन पल हम सब के लिए एक जैसे ही हैं। लाइफ्स रोमांटिक मोमेंट्स आर सेम फॉर ऑल ऑफ अस। आज हमारे पास कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग टूडे। तुम सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही बने हो, यू आर ओनली मेंट मेड फॉर बिजनेस। हम लोग उन आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, वी पीपल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दोज वॉइस। वो लोग उस बच्चे की बातों को मजाक में ले रहे थे, दोज पीपल वी आर टॉकिंग दैट चाइल्ड लाइटली। राम कई दिनों से लगातार पढ़ रहा था, राम हैड बीन कंटिन्यूसली स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मैंने तुम्हें डांटा और तुमने रोना शुरू कर दिया, आई स्कॉल्ड यू एंड यू स्टार्टेड वीपिंग। वो बच्चे तुम्हारी दीवार पर कुछ लिख रहे थे, दो चिल्ड्रेन वे आर राइटिंग समथिंग ऑन योर हाउसेस वॉल। मैं सभी को उस भूतिया घर के बारे में बता चुका हूँ, आई हैड टोल्ड एवरीवन अबाउट दैट हंटेड हाउस। तुम मेरे साथ कभी भी नहीं थे, यू वेयर नेवर विथ मी। तुम कब से मेरे घर में रह रहे हो, सिंस वेन हैव यू बीन लिविंग एट माई हाउस। राम हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, राम इज लिविंग अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है,
मदर एंड चिल्ड्रंस रिलेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं भीगा हुआ था इसलिए ठंड लग गई। आई वॉज ड्रेंच्ड हैंस गॉट कोल्ड। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वे रिवर यू गो ही विल नॉट स्पेयर यू। करेक्ट सेंटेंस आर रिटन बिलो विथ अंडरलाइंड करेक्ट वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड। He has been walking in the park for a long. My friend did not find peace anywhere. I didn't go there. Ram never worked with me. Life teaches us thousand things. I looked at the calendars for the dates. He is not walking because he is so weak. Have you seen my three-story building? He was sweating when he came to me. There were five students. Their parents had also come. Test 4. Translate the following sentence into English. क्या आप लोग उस लड़के से मिले थे? मैंने उसकी बहन को पहचान लिया था। खेल के दौरान वो थका हुआ सा लगा। तुम मुझसे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने उसे पैसा कभी नहीं दिया। कई लोग सड़क पर चिल्ला रहे थे। उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा प्यार किया। एक टूटा हुआ गिलास किसने रखा यहाँ? क्या वो स्कूल गया होगा? तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? कौन कौन जाएगा मेरे साथ? किस आदमी का बेटा तुम्हारे पापा के साथ जाप करता है? मैं अक्सर उसके यहाँ जाता हूँ। वो दिन रात क्यों पढ़ता है? वो कभी कभी मेरे घर आता है। हम बहुत देर तक उठे रहते हैं। तुम्हारा दोस्त कौन सी कार चलाता है? मैं किसके भाई के साथ नाच रहा था? तुम दोपहर से कुछ ढूंढ रहे हो। मैं जानता हूँ कि ये होगा। तुम वहाँ गए थे। मैंने राम को देखा है। उसके पापा मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया है। क्या उसने कहा? वो कभी नहीं गया। सुरेश मुझसे मिलेगा। हम 7 बजे स्कूल के लिए निकले। बच्चे कभी नहीं गए। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। राम उसे प्यार करता है। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पैसा आदमी की नीयत बदलता है। उसे कुछ मिला है, शायद कोई पेन। मैंने ये प्रश्न पहले भी हल किया है। उसने 4 घंटे मेरा इंतजार किया। बच्चे चुप क्यों नहीं रहते? मैंने उसे हर जगह ढूंढा। अपना रास्ता उसने खुद बनाया। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद किया। और मुझे परेशान कर रहा है। लोग आए थे। मैंने अक्सर उसे यहाँ देखा है। राम नहीं करता। उसने मुझे सारी बात बताई। वो कई दिनों से लगातार पढ़ रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इस वक्त वो पढ़ रहा होगा। मैंने कुछ भी नहीं पूछा। हम फिल्म देख रहे थे उस वक्त जब वो आया। आंसर, क्या आप लोग उस लड़के से मिले थे? हैड यू पीपल मेट दैट बॉय? मैंने उसकी बहन को पहचान लिया था। आई हैड रिकॉग्नाइज्ड हिज हर सिस्टर। खेल के दौरान वो थका हुआ सा लगा। ही सीम्ड लॉक्ड टायर्ड ड्यूरिंग द गेम। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई लाइक्ड यू ए लॉट। मैंने उसे पैसा कभी नहीं दिया। आई नेवर गिव हिम मनी। कई लोग सड़क पर चिल्ला रहे थे। देयर वेयर मैनी पीपल शूटिंग ऑन द रोड। उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया। ही लव्ड यू मोर देन हिज लाइफ। ए टूटा हुआ गिलास किसने रखा यहाँ? हु केप्ट दिस ब्रोकन ग्लास हियर? क्या वो स्कूल गया होगा? Will he have gone to school? तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? Why are you running this fast? कौन कौन जाएगा मेरे साथ? Who all will go with me? किस आदमी का बेटा तुम्हारे पापा के साथ जाप करता है? Which man's son work with your dad? मैं अक्सर उसके यहाँ जाता हूँ। I often go to his place home. वो दिन रात क्यों पढ़ता है? Why does he study 24 hours? वो कभी कभी मेरे घर आता है। ही समटाइम्स कम माई होम। हम बहुत देर तक उठे रहते हैं। वी वॉक अप टिल लेट।
तुम्हारा दोस्त कौन सी कार चलाता है? विच कार डज योर फ्रेंड ड्राइव? मैं किसके भाई के साथ नाच रहा था? विथ हुज ब्रदर वाज आई डांसिंग? तुम दोपहर से कुछ ढूंढ रहे हो। यू हैव बीन सर्चिंग समथिंग सिंस आफ्टरनून। मैं जानता हूँ कि ए लोग कि ए होगा। आई नो इट विल हैपन। तुम वहाँ गए थे। यू हैड गॉन देयर। मैंने राम को देखा है। आई हैव सीन राम। उसके पापा मेरे घर आए। हिज फादर कम टू माई हाउस। उन्होंने मुझे बताया है। ही हैज टोल्ड मी। क्या उसने कहा? डिड ही से? वो कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट। सुरेश मुझसे मिलेगा। सुरेश विल मीट मी। हम 7 बजे स्कूल के लिए निकले। वी लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। बच्चे कभी नहीं गए। चिल्ड्रन नेवर वेंट। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक दिस। राम उसे प्यार करता है। राम लव्स हिम हर। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। एवरीथिंग चेंज विद टाइम। पैसा आदमी की नीयत बदलता है। मनी चेंज वंस कैरेक्टर। उसे कुछ मिला है, शायद कोई पेन। ही हैज फाउंड समथिंग प्रोबेबली अ पेन। मैंने ये प्रश्न पहले भी हल किया। आई हैव सॉल्वड दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल। उसने 4 घंटे मेरा इंतजार किया। ही वेटेड फॉर मी फॉर 4 hours। बच्चे चुप क्यों नहीं रहते? वाई डू चिल्ड्रन नॉट कीप क्वाइट। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आई सर्च्ड हिम एवरीवेयर। अपना रास्ता उसने खुद बनाया। ही मेड हिज वे हिमसेल्फ। मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद किया। नोबडी सेड टू मी, आई डिड माई सेल्फ। वो मुझे परेशान कर रहा है। ही इज बॉदरिंग मी। लोग आए थे, पीपल हैड कम। मैंने अक्सर उसे यहाँ देखा है। आई हैव सीन हिम ही आर क्वाइट ऑफ्टन। राम नहीं करता, राम डजंट डू। उसने मुझे सारी बात बताई। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। वो कई दिनों से लगातार पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग कंटिन्यूसली फॉर मैनी डेज। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। आई हैडन्ट थॉट सो। इस वक्त वो पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम मोमेंट। मैंने कुछ भी नहीं पूछा। आई डिडन्ट आस्क एनीथिंग एट ऑल। हम फिल्म देख रहे थे उस वक्त जब वो आया। वी वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन ही कम। लेसन 22 20। इट यह ए। आज हम आपको इट का कंसेप्ट पढ़ाने वाले हैं। इट का प्रयोग कई तरह के वाक्यों में होता है और इसके कई नियम हैं। हम एक एक करके समझेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू द कंसेप्ट ऑफ इट। इट इज यूज्ड इन मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस एंड हैज मैनी रूल्स। लेट्स हैव ए लुक वन बाय वन। फर्स्ट कंसेप्ट। इट और दिस दोनों का अर्थ यह है, पर फर्क यह है कि दिस का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के साथ होता है, जबकि इट का प्रयोग केवल निर्जीव के साथ होता है। इट एंड दिस बोथ आर ऑलमोस्ट सेम इन यूजेज, बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग। उदाहरण एग्जाम्पल। यह एक पेन है। दिस इज ए पेन। करेक्ट। इट इज ए पेन। करेक्ट। यह प्यार है। दिस इज ए लव। करेक्ट। इट इज ए लव। करेक्ट। यह मेरा दोस्त राम है। दिस इज माई फ्रेंड राम। करेक्ट। इट इज माई फ्रेंड राम। इनकरेक्ट, बिकॉज इट कॉन्ट बी यूज विथ लिविंग बींग। इस वाक्य में इट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि राम सजीव है, निर्जीव नहीं। एक बात ध्यान रहे कि कभी कभी आप पाएंगे कि लोग सजीव के साथ ही इट का प्रयोग कर रहे हैं। मॉडर्न अंग्रेजी में कई नियमों के अपवाद हैं। You might find people using it with living being as well, like it's my friend Rahul. It's nothing but an exception in modern English. Second concept, it's as a subject. It का प्रयोग subject की तरह। किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी day से नहीं हो सकती। अगर वाक्य की शुरुआत आज, कल, परसों, आज से हो तो it का प्रयोग subject की तरह किया जाना चाहिए। जैसे आज सोमवार है, कल छुट्टी थी आज। अगर हम कहें कि आज सोमवार है तो हमारा अंग्रेजी में एक कहना कि टुडे इज मंडे गलत होगा, बजाय इसके कि हम कहें इट को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना होगा और कहना होगा इट इज मंडे टुडे। नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ एनी डे, आई ई मंडे, संडे, स्टडे, इट सी। इफ आई से टुडे इज मंडे, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस। रेदर आई नीड टू से इट इज मंडे टुडे। बेसिकली इट इज टू बी यूज एज अ सब्जेक्ट इफ एनी डे इज मेंशन।
एग्जाम्पल उदाहरण, कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टूडे। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। उस दिन कुछ खास होगा, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। परसों क्या था, व्हाट वॉज इट डे बिफोर यस्टरडे। कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। कंसेप्ट थर्ड, समय हो चुका है, गया है, हैज बिन। समय हो चुका था, गया था, हैड बिन। इट एज ए सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, ऐसे वाक्य में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है। इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन सच काइंड ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल उदाहरण, दो दिन हो गए हैं, इट हैज बिन टू डेज। दो साल हो चुके हैं, इट हैज बिन टू ईयर्स। कई साल हो चुके हैं, इट हैज बिन मैनी ईयर्स। सर्दियां बीत चुकी हैं, इट हैज बिन सेंचुरी। सदियां बीत चुकी हैं। करीब दो घंटे हो गए, इट हैज बिन अबाउट टू आवर। अब मैं ये बताऊंगा कि इतना समय किसे लगा, मुझे उसे या फिर किसे। नाउ आई विल टेल यू हु हैज टेकन दिस मच टाइम, इट्स मी, हिम आर हु। मुझे दो दिन हो गए, इट्स हैज बिन टू डे टू मी। राम को 6 साल हो गए, इट हैज बिन 6 ईयर टू राम। सीता को 5 महीने हो गए, इट हैज बिन 5 मंथ टू सीता। मुझे 3 साल हो गए थे, इट हैज बिन 3 ईयर्स टू मी। अब इन वाक्यों में कुछ और जोड़ देते हैं। लेट्स एड ऑन समथिंग मोर इन दिस सेंटेंस। अगर मैं कहूँ पढ़ते हुए रीडिंग, सोते हुए स्लीपिंग, खेलते हुए प्लेइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया को अभी भी कर रहा है। जब मैंने कहा मुझे पढ़ते हुए 2 साल हो गए, तो यहाँ सब्जेक्ट यानी मैं अपने अभी भी पढ़ने के काम को कर रहा हूँ। ऐसे वाक्यों में मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ ing का प्रयोग करूँगा। पर अगर मैं कहूँ गए हुए हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मीट, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया को कर नहीं रहा बल्कि उसे काम किए हुए वक्त हो चुका है। मैं कहता हूँ मुझे पढ़े हुए 2 साल हो गए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यानी मैं पढ़ने के काम को कर चुका हूँ और 2 साल का वक्त भी बीत चुका। ऐसे वाक्यों में मैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करूँगा। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, मुझे 2 दिन हो गए, इट हैज बीन 2 डेज टू मी। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डेज टू मीट, टू मी मीटिंग। यहाँ पर मैं 2 दिन से मिल रहा हूँ, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बीन 2 डे टू मी हैविंग मीट। यहाँ पर मैं 2 दिन पहले मिला था। राम को 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 ईयर्स टू राम। राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 ईयर्स टू राम मीटिंग मी। राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 ईयर्स टू राम हैविंग मीट मी। फ्यू एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण, 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, इट हैज बिन 2 डेज हैविंग बिन सीन यू। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए उसके साथ रहते हुए, इट हैज बिन 7 डेज लिविंग विथ हिम, 7 ईयर्स लिविंग विथ हिम। कितने दिन हो गए, हाउ मैनी डेज हैज इट बिन। कितना समय हो गया, हाउ मच टाइम हैड बिन, हैड इट बिन। क्या 5 मिनट हो गए हैं, हैज इट बिन 5 मिनट। क्या सदियां गुजर गई, हैज इट बीन सेंचुरीज। उसे 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, इट हैज बीन 10 मिनट टू हिम। मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया, इट हैज बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर। मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए, इट हैज बीन मंथ टू मी हैविंग टाट यू। लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए, इट हैज नॉट बीन 10 मिनट टू मी राइटिंग। कंसेप्ट 4, समय लगना, समय हो चुका होना। टैग एज ए वर्ब, टैग का प्रयोग वर्ब की तरह। इट एज अ सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। इफ देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन इट कैन बी यूज एज ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल उदाहरण, निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है, 2 मिनट लगते हैं, इट टैक्स 2 मिनट्स। 2 मिनट लग रहे हैं, इट इज टेकिंग 2 मिनट। 2 मिनट लग चुके हैं, इट हैज टेकन 2 मिनट। 2 मिनट लगे, इट टॉक 2 मिनट। 2 मिनट लग रहे थे, इट वाज टेकिंग 2 मिनट। 2 मिनट लग चुके हैं, इट हैड टेकन 2 मिनट्स।
दो मिनट लगेंगे, इट विल टेक टू मिनट्स, दो मिनट लग सकते हैं, इट कैन टेक टू मिनट, दो मिनट लगने चाहिए, इट शुड टेक टू मिनट, दो मिनट पक्का लगने चाहिए, इट मस्ट टेक टू मिनट्स। निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट हैं, मुझे दो मिनट लगते हैं, आई टेक टू मिनट, इट टेक टू मिनट टू मी, मुझे दो मिनट लग रहे हैं, आई एम टेकिंग टू मिनट्स, इट इज टेकिंग टू मिनट्स टू मी, राम को दस मिनट लगने चाहिए, राम शुड टेक टेन मिनट्स, इट शुड टेक टेन मिनट्स टू राम। अब इन वाक्यों में कुछ जोड़ते हैं, लेट्स एड समथिंग मोर इन दिस सेंटेंस, समय तो लगता है पर क्या करने में, टेक्स टाइम बट इन डूइंग व्हाट, मिलने में टू मीट, आने में टू कम, जाने में टू गो, पहुंचने में टू रीच। एग्जाम्पल, उदाहरण, पहुंचने में दो मिनट लगते हैं, इट टेक्स टू मिनट टू रीच, मुझे पहुंचने में दो मिनट लगते हैं, आई टेक टू मिनट टू रीच, इट टेक्स मी टू मिनट टू रीच, राम को पहुंचने में दो मिनट लगते हैं, राम टेक्स टू मिनट्स टू रीच, तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे, इट विल टेक मैनी ईयर टू मीट यू, तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे, आई विल टेक मैनी ईयर टू मीट यू, वहाँ पहुँचने में पापा को 10 मिनट लगे, डिड टॉक 10 मिनट टू रीच देयर, खाना खाने में मुझे कितना समय लगा, हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड, खाना खाने में कितना समय लगा, हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड, मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी वक्त लगेगा, आई विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टीच यू, ये करने में मुझे 10 दिन से ज़्यादा लगे, आई टॉक मोर देन 10 डेज टू डू दिस। महान व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें, कोटेशंस, देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिज़, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग, सो रिमेंबर इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, नेवर बी अफेयर्ड, यू कांट मेक इट बी अनलेस यू ट्राई, व्हेन आई स्टैंड बिफोर गॉड एट द एंड ऑफ माई लाइफ, आई वुड होप दैट आई वुड नॉट हैव अ सिंगल बिट ऑफ टैलेंट लेफ्ट एंड कुड से आई यूज्ड एवरीथिंग यू गिव मी, everybody does for himself, but if you do for others too, you live even after your life. My life has no meaning if I contribute nothing for the poor. If you are not criticized, that simply means you are not doing anything special. अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके प्रैक्टिस वगैरह को। आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, समाधान कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।